much fun in ages. What did you say your name was? तो भाई क्या हाल है सबके। देखो यार तुम लोग का सबसे पहले यार स्वागत है पोकेमोन मेमोरी जीबीए में। और हाँ, वीडियो को अभी से लाइक नहीं क्यों लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्यों सब्सक्राइब कर लेना। कल हम उल्टा पुल्टा बोल दिए थे वीडियो में, ऐसे भी यार संडे है, हम सोच रहे एक वीडियो लाने का, लेकिन ऐश डे भी हम अपलोड कर ही सकते हैं। तब तक के लिए यार अपना गेम को हम स्टार्ट कर लेते हैं और अपना पार्टी देख सकते हो। पार्टी हम थोड़ा सा लेवल अप रखे हैं क्योंकि हम लोग का नेक्स्ट टीम हम लोग के लिए इंतजार कर रहा है, तो पार्टी को तो अपना तैयार रखना ही है बैटल के लिए। और तुम लोग बताओ यार, आज संडे है तो आज हम डुअल वीडियो लाए कि नहीं, क्योंकि हम संडे के लिए यार थोड़ा सा आराम करने की कोशिश करते हैं, वीडियो वीडियो नहीं अपलोड करने का कोशिश करते हैं। लेकिन सोचे कि कल का वीडियो में जो रिस्पॉन्स देखे, इसलिए हम सोचे कि आज वीडियो बनाते हैं। और यहाँ नर्स जो है तो हील्ड करवाना तो बनता ही है, नर्स जो है जहाँ दिख जाए भाई एक बार तो हील्ड करवा ही लेना अपने पार्टी को। रूट 9 में आ गए हम लोग और यहाँ पे मेरा एक बैटल होता है। और भाई साहब यहाँ पे आ गई है जो बंदी है, वो वन ऑफ माय फेवरेट पोके गर्ल में से एक है। मेरी टू फेवरेट पोके गर्ल्स है, फर्स्ट मे, सेकंड मार्नी। पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ हमको यही दो ज़्यादा अच्छी लगती है पोके गर्ल कैरेक्टर में। इसका क्रोगन को तो हम ईजीली डिफीट कर दिए। बहुत लोग कहेगा सरीना, मिस्टी ये और डॉन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हाँ मेरे लिए यही दो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। इसका स्क्रैगी को भी यार हम हरा दिए अपना फ्लाइंग अटैक से। अब बारी इसका दी लास्ट वन मार्पिको की, इसको तो भाई अपना डिग अटैक से ही हरा देते हैं। और तुम लोग अपना बताना यार कमेंट बॉक्स में कि तुम लोग की फेवरेट पोके गर्ल कौन है। हम तो अपना बता दिए कि मेरी फेवरेट पोके गर्ल कौन कौन है ऐसे। चलो यहाँ पे मारने को तो हम हराए। और देखो हम पहले बता देते ये वाला एपिसोड ना थोड़ा छोटा होने वाला है, और यहाँ पे मेरा 4 मिलियन पैरालाइज हो गया है क्योंकि डिग अटैक किए थे ना मार्पिको के ऊपर, उसलिए हमारे पास पैरालाइज हील है, तो हम पैरालाइज हील का यूज़ कर लेते हैं। देखो हम यहाँ पे ना एक ट्रेनर से बैटल करेंगे और यहाँ पे है ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रेनर्स, इसलिए इससे तो नहीं लड़े, इसका भाई है ऊपर में जोड़ीदार, इसका जोड़ीदार से हम लोग बैटल करते हैं और इसको डिफ़ीट करते हैं। और यहाँ के जितने भी ट्रेनर्स हैं ना उन सबको डिफ़ीट कर देंगे इसको हराने के साथ में। इसके पास लक्सियो है, तो सेम चीज़ अपना डिग अटैक करते हैं क्योंकि मास्टरम भाई अपना ग्राउंड टाइप पोकेमोन है, तो कितना भी थंडर टाइप अटैक कर लो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलो सही है, यहाँ पे ये लोग को तो हरा दिए। अब बारी है यहाँ से जल्दी से हम लोग को निकलने का। और यहाँ पे पता है तुम लोग घूमोगे तो एक टीएम मिलेगा, लेकिन यार हम टीएम का नाम भूल गए, कोई नहीं। यहाँ पे भाई दो बंदे तो सोच रहे हरा ही देते, चलो बैटल करते इससे। इसके पास कौन सा पोकेमोन है देखा जाए, डीबल। अरे हाँ एक चीज़ हम बताना भूल गए, जहाँ हम लोग जियोवानी से बैटल किए थे ना जो केव तुम लोग देखे थे, वहाँ भी अच्छा अच्छा पोकेमोन मिलता है, तुम लोग वहाँ चेकआउट कर सकते हो ऐसे। और यहाँ पे तो एक बिडूफ आ गया है, गॉड बिडूफ। और कोई पोकेमोन अच्छा वाला है ना, हम सोच रहे कोई फाइटिंग टाइप पोकेमोन अपना टीम में रखने के लिए। यहाँ पे वैसा कोई पोकेमोन तो अपीयर नहीं हो रहा, जैसे लाइक खाडू अपीयर हो रहा है, स्टार्ली और बिडूफ यही सब पोकेमोन अपीयर हो रहे हैं। हमको ये सब पोकेमोन नहीं चाहिए, हमको एक फाइटिंग टाइप में थोड़ा अच्छा पोकेमोन चाहिए। यहाँ पे तो भाई एक बेरी मिला, ऐसे तो पता नहीं कौन सा बेरी है। और यहाँ पे एक सेलर है, तो चलो इसको भी हरा ही देते हैं। सेलर दिख रहा है तो भाई बैटल करने का। अच्छा सेलर नहीं, ये तो फिशरमैन है। इसके पास भाई बैस्कुलिन है, तो इसको भाई अपना ग्रास अटैक यानी कट अटैक से इसको फेंट करते हैं। चल भाई जल्दी से जा निपट जा। चलो यहाँ इसको तो निपटा दिया, और साथ में मेरा भाई डेट्रिक्स इवॉल्व कर रहा है यार, ये मस्त चीज़ हो जाएगा। ये हिशुअन वाला ना बनेगा क्योंकि जो हम लोग का पार्टी था टीम था, अरे यार ये तो नॉर्मल बन गया यार डेसीडुआई, हमको लगा हिशुअन डेसीडुआई बनेगा यार। डैम मैन हम क्या सोचे, इसका टाइपिंग फाइटिंग प्लस हो जाता ग्रास या घोस्ट हो जाता, लेकिन ये तो ग्रास और घोस्ट हो गया यार। फुल्ली डिसअपॉइंटेड यार, फुल्ली डिसअपॉइंटेड। हम जिस टीम का चाह रहे थे, क्योंकि देखो फाइटिंग टाइप मेरा चाह इसलिए था कि भाई ये इवॉल्व करता तो ये फाइटिंग टाइप बनता,
तो हमको एक तरीका से तीन तीन टाइप के पोकेमोन हो जाते यहाँ पे। लेकिन कोई ना, यहाँ ऐसे सब लोग से बात किए, कोई फ़ायदा नहीं मिला। और यहाँ पे भाई अपने कहा जाए तो चैम्पियंस है, और मे भी हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन चैम्पियंस है, क्योंकि पिछले बार हम लोग शायद ब्रैंडन और मे से लड़े थे, तो यहाँ पे डॉन और जो भी रहता उसका को पार्टनर या को ट्रेनर वो होंगे। तो चलो देखते हैं यहाँ पे मे बी डॉन, यानी तो उस ट्रेनर का नाम क्या था यार जो डॉन का को ट्रेनर होता है। ये तो भाई अपनी डॉन है, इसके पास स्टारेविया है। पोकेमोन हम चेंज करेंगे, मास्टॉम को ले आते, क्योंकि मास्टॉम के पास रॉक टाइप अटैक है ना, सही रहेगा क्योंकि हम एवलांच। हाँ चलो इसमें यही सही है कि कम से कम स्पैनिश लैंग्वेज में भी एवलांच को एवलांच ही बोला जाता है। इसका सेकंड वन प्रिंप्लप, इसको भी निपटा दिए। इसका थर्ड वन लक्सरे, चलो सही है। मास्टॉम के सामने भाई हम सोच रहे हैं कि डिग अटैक, ये चार्जअप हो रहा है, ठीक है हो जाओ चार्जअप, चार्जअप से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको हराएंगे। देखो इसका मेनली जो पोकेमोन तुम लोग को दिखा रहे हैं कि कुछ कुछ पोकेमोन को नहीं दिखा रहे, क्योंकि भाई वो जो पोकेमोन ये यूज़ करिए ना वो प्री एवोल्यूशन यानी कि फर्स्ट फॉर्म, तो उसका बैटल या छोटा मोटा बैटल क्या देखा है, तो इसलिए जो इसका सेकंड फॉर्म या फाइनल फॉर्म वाला रहता है ना वही दिखाना ज़्यादा बेहतर रहता है वैसे में, कि तुम लोग को भी लगा कि हाँ भाई गेम थोड़ा लंबा हुआ नहीं, तो वैसे में तो छोटा छोटा बैटल हमको थोड़ा सा ज़्यादा इग्नोर करने का मन करता है। यहाँ पर तो एक ड्रिप ब्लूम है इसके पास, तो अपना घोष टाइप अटैक करेंगे। चल भाई इसका ड्रिप ब्लूम भी गया, इसका सेकंड ओ मोलफर्नो, सही है। हम लोग भाई अपना वाटर पल्स मूव था ना वो, सही है, एक और बार करके टोरेंट, कोई नहीं मेरा एवलांच से हार गया। चलो सही है, यहाँ पे इसको तो निपटा दिए दोनों को, चैम्पियंस को तो निपटा दिए, और यहाँ हमको कोई आइटम वैसा मिला नहीं। हमको लगा पेड़ काटेंगे और वहाँ चेक करेंगे तो कुछ मिले, लेकिन ना कुछ नहीं मिला वहाँ पे। चलो छोड़ो, हील्ड करवा करके देखो यहाँ पे केव है, ठीक ना, हम लोग को केव को कवर करना है। और पत्थर हमको याद नहीं कि चेक किए थे कि नहीं, अरे यार कौन आया बिडू फिर से, ना नहीं चाहिए हमको। यहाँ भी पत्थर उत्थर चेक कर लो, कुछ ना कुछ मिल जाए तो सही है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। और ये मे भी पता है अपना रॉक टनल वाला केव जैसा है, तो तुम लोग यहाँ पर अपना रिपेल लेके आना और यहाँ पे सारे ट्रेनर से ऐसे लड़ लेना, काफ़ी ज़्यादा आइटम्स का मिलते हैं तो वही सही रहेगा। इसके पास तीन पोकेमोन है, एक का बैटल देखेंगे बनेरी, ठीक है बनेरी एक अच्छी टाइपिंग होती है, फाइटिंग प्लस नॉर्मल जब ये इवॉल्व करती है। इसका एवोल्यूशन का नाम क्या रहता है यार, फिने ने पता नहीं कुछ नाम रहता है यार, हम नाम भूल रहे हैं उसका, लोपनी, हाँ लोपनी। और यहाँ पे हम सब लोग को हरा दिए देखा जाए तो, यहाँ पे जितना आइटम था ना हम सारा आइटम ले लिए, जस्ट लाइक कुछ टीएम भी मिला, और पोकीबॉल्स में एक स्केप रोप यही सब मिला, बॉन्सला एक रॉक टाइप पोकेमोन होता है, रॉक टाइप पोकेमोन तो नहीं चाहिए, मेरे पास रॉक टाइप मूव है। और यहाँ अपनी राइवल है ना बेला, मे भी हमको याद है सही तो हम इसका नेम सही लिया, नहीं तो हमको याद नहीं कि इसका नेम बेला ही था, हाँ बेला, चलो सही है। इसके पास तीन पोकेमोन है सिल्वियन, तो हम क्या करें, हम डिग अटैक करें क्या, क्योंकि सिल्वियन एक फेरी टाइप पोकेमोन थे, स्टील टाइप में मूव रहता तो ज़्यादा सही रहता या पोयन तो, लेकिन मेरा डिग अटैक से ही वो हार गया। अरे यार ये तो सरीना का प्री एवोल्यूशन है, इसको तो फ्लेंथोर से मराम से निपटा दिए, चलो सही है। इसका लास्ट वन डबुल या डिबुल पता नहीं जो भी प्रोनाउंस होता है, इसको जल्दी से हरा देते यार। क्या मेरा फ्लाइंग अटैक इसको उतना डैमेज क्यों नहीं दे रहा है जितना देना चाहिए, ऊपर से मेरा थर्ड इवॉल्व पोकेमोन है। चल यहाँ कम से कम इसको तो हराए। ये हमको कोई आइटम दे उके नहीं गई बेला, और उससे हमको लड़ ही लेना चाहिए। एक मिनट,
चलो इसको हरा दिए, बैटल बस नहीं देखा तुम लोग को, क्योंकि बैटल क्या दिखाना। अब बारी है भाई यहाँ पे हमको, ये सिटी में आ गए तो अब हमको ढूंढना चाहिए कि मेरा जिम किस साइड है, और जिम देखेंगे तो जिम ही चैलेंज किया जाएगा। सबसे पहले तो अपना पार्टी को हील भी करवाना चाहिए। यहाँ तो नहीं, इधर साइड नहीं भाई। हाँ ये एक पोकेमॉन सेंटर और जिम भी दिख गया, और एक पोकीबॉल भी है। चलो सही है, मिल जाएगा पोकीबॉल तो हम उसको भी उठा ही लेंगे। चलो सबसे पहला चीज़ है जिम जाने से पहले यार पोकीबॉल को क्लेम कर लेते हैं। और इसमें क्या है, एक ईथर। चलो सही है, इस साइड तो कुछ नहीं है। नहीं है कोई ना यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे कुछ आइटम था नहीं। चलो जिम के अंदर चलते हैं, और मे बी ये ग्रास टाइप जिम है। तो सबसे पहले यार एक ही चीज़ करना है, अपना पोकेमॉन में 4 मिलियन को आगे कर लेंगे, क्योंकि ग्रास टाइप जिम है, 4 मिलियन आगे डेसीडुआई को सेकंड में। और कोशिश करेंगे भाई कि अपना सारा टीम जो है ना फुल्ली इवॉल्व टीम बन जाए अभी, क्योंकि जिम में वैसे ईजी हो जाएगा लड़ना मेरे लिए जब मेरा टीम फुल्ली इवॉल्व रहेगा। तो कोई भी आ जाए बड़ा से बड़ा चीज़, हम आराम से उसको झेल लेंगे। चलो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे इनसे बात भी हो गया, ये कह रहे फायर टाइप पोकेमॉन को आगे रखना। हाँ आगे है मेरा फायर टाइप पोकेमॉन। चलो देखते हैं पहले यहाँ किससे बैटल होएगा। रोजर रेड ठीक है, इसके ऊपर भाई अपना फ्लेंट रोर। बहुत सही भाई, बहुत सही, अपना मास स्टॉम्प करने जा रहा है स्वम्पट में इवॉल्व। वाओ दैट्स रियली ग्रेट यार, दैट्स रियली ग्रेट। चलो ये तो सही है, बहुत सही, ये तो इवॉल्व कर गया स्वम्पट। अब बारी है जल्दी से मेरा 4 मिलियन भी इवॉल्व करिए, यानी तो जिम के आखिरी में करेगा इवॉल्व। कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है इसका। हिशुअलीग्रंट दैट्स रियली क्यूट, दैट्स रियली रियली क्यूट। चलो यार कम से कम ये भी हार गई, यहाँ भी अपना 4 मिलियन भी करने जा रहा है बहुत। यहाँ पे देखा जाए ना तो ये 4 बंदे से बैटल करके ही मेरा 4 मिलियन कर गया, 4,500 में इवॉल्व। चल भाई एकदम सही है। अब बारी है जिम लीडर का, हम ऐसे हील्ड होके भी आ गए थे। चलो अब देखा जाए, इसका नाम गार्डेनिया है ना, हाँ गार्डेनिया ही है, सही है। ऐसे ये जनरेशन 4 की ग्रास जिम लीडर आती है, हाँ जनरेशन 4। और इसके पास है जंपलफ। चलो इसका तो एक क्लेम छोड़ से निपटा दिए, इसका अगला कौन सा उसको देखा जाए। ब्लॉसम, ब्लॉसम को यार अपना फ्लाई अटैक से निपटा देंगे, इजी है। अरे यार ये तो स्लिप कर दिया ऊपर से पॉइजन, पोकेमॉन चेंज करके मिल्टैक को ले, मिल्टैक पॉइजन होने का चांस मेरा कम रहेगा यहाँ पे ऐसे, लेकिन कोई नहीं देख लेते हैं। कम ऑन यार, ओ मैन, चलो कोई नहीं, इसका ब्लॉसम गई। रोजर रेड प्लेन थ्रोड इजी टारगेट। चल भाई ये जिम लीडर भी गई, एक इजी टारगेट थी मेरे लिए ऐसे देखा जाए तो ये। और एपिसोड भाई तुम लोग को पता ही है आज का छोटा एपिसोड है, क्योंकि आज संडे का एपिसोड है। और तुम लोग बता देना फायर एश बोल रहे हैं, ऐश ग्रे वाला एपिसोड चाहिए कि नहीं, हम उसी हिसाब से काम करेंगे, नहीं तुम संडे के दिन आराम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। चलो यहाँ पे तो अपने जा रहे गेम सेव करने अब, और तुम लोग बताना वीडियो कैसा लगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो यार लाइक कर देना। चलो मिलते यार अगला वीडियो में।